रुख करते हैं जो कि ग्वालियर से मिल रही है, जहां अवैध उत्खनन को लेकर नदी बचाओ सत्याग्रह शुरू हो चुका है। पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने शुरू किया सत्याग्रह। रेत माफियाओं के खिलाफ इस सत्याग्रह का फिलहाल आयोजन किया गया है, जहां एक सप्ताह तक नदी बचाओ सत्याग्रह चलेगा। बड़ी खबर ग्वालियर से आपको बता रहे हैं, जहां अवैध उत्खनन को लेकर शुरू हुआ नदी बचाओ सत्याग्रह। आपको बता दें कि लगातार रेत माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन रेत माफिया अगर देखा जाए तो उन बिना किसी डर के वो लगातार अपनी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ग्वालियर से अवैध उत्खनन को लेकर शुरू हुआ नदी बचाओ सत्याग्रह। पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने शुरू किया है सत्याग्रह। रेत माफियाओं के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया गया है, एक सप्ताह तक चलेगा नदी बचाओ सत्याग्रह। बड़ी खबर ग्वालियर से बता रहे हैं। तो बड़ी खबर ग्वालियर से, जहां अवैध उत्खनन लगातार देखा जा रहा था, लगातार खबरें भी सामने आ रही थी कि रेत माफियाओं की तरफ से अवैध उत्खनन किया जा रहा है, जिसको लेकर अब पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह आगे आए और अब उन्होंने नदी बचाओ सत्याग्रह का फिलहाल आयोजन किया है, जहां इस दौरान सरकार तक उनकी आवाज पहुंचाई जाएगी किस तरह से नदी किनारे अवैध उत्खनन किया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि एक सप्ताह तक नदी बचाओ सत्याग्रह चलेगा और पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह के साथ तमाम उनके कार्यकर्ता और काफी लोग इस दौरान मौजूद भी रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ग्वालियर से। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो हेड ग्वालियर से उमेश सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उमेश, फिलहाल किस तरह की जानकारी मिल रही है कि अवैध उत्खनन को लेकर अब नदी बचाओ सत्याग्रह पूर्व मंत्री की तरफ से शुरू किया जा रहा है? देखो जी, जिस तरह से ये ग्वाली चंबल संभाग की 16 सीटों का उपचुनाव होने हैं, उसी के मद्देनजर देखते हुए गोविंद सिंह जी ने अवैध उत्खनन का मुद्दा उठाया है। उसी के तालमेल में उन्होंने 5 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसमें उन्होंने घोषणा की थी कि ग्वाली चंबल संभाग में जो नदियां हैं उनको बचाने की हम पदयात्रा और सत्याग्रह करेंगे। उसी के तहत उन्होंने कल से अपनी पदयात्रा अपने गृह क्षेत्र लार से चालू की है और उस पदयात्रा में वो विभिन्न गांवों में जाएंगे, जहाँ और खासकर उस जगह पे जाएंगे जहाँ पे जो नदियों में अवैध खनन उत्खनन बहुत ही तेजी से और बहुत ही कारगर तरीके से चल रहा है। तो उमेश, इसका मतलब साफ तौर पर कहा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव में वोटरों को साधने की एक बार फिर से कोशिश की जा रही है पूर्व मंत्री की तरफ से। अगर बात की जाए कि डॉक्टर गोविंद सिंह के साथ इनके अलावा क्या और लोग भी इनके साथ जुड़ने के लिए सत्याग्रह में मौजूद हैं? ऋतु जी, इसमें जो सत्याग्रह में जुड़ने के लिए जो मुख्य वक्ता और नेता है वो उसमें पूर्व विधानसभा नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह जी हैं, जो कि पूरे 7 दिन इनके साथ रहेंगे, गोविंद सिंह जी के साथ रहेंगे और सभी कांग्रेस कार्यकर्ता और जो ग्वाली चंबल संभाग के जो नेतागण है वो उनके साथ उपस्थित रहेंगे। इसमें दिलचस्प बात यह आया है, जिस तरह गोविंद सिंह जी ने अवैध उत्खनन का आरोप लगा, उसी तरह उनसे गोविंद सिंह जी पर भी बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि 15 महीने के कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में आप सबसे पावरफुल मिनिस्टर है, उसके बाद भी आपके क्षेत्र में लार और भिंड में अवैध उत्खनन क्यों नहीं रोका गया, ये उन्होंने सवाल लगाए कांग्रेस में। तो उमेश, फिलहाल किस तरह की क्या कुछ जानकारी और मिल रही है कि एक सप्ताह तक ये नदी बचाओ सत्याग्रह चलेगा, तो किस तरह की रणनीति इन लोगों ने बना रखी है? फिलहाल नदी बचाओ सत्याग्रह के तहत ये लोग सिर्फ गांव-गांव जाकर वोटों को लुवाएंगे, उनको पूरी जानकारी देंगे और बीजेपी के खिलाफ जो माहौल बनाना चाहेंगे वो माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी। चलिए उमेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर आपको ग्वालियर से बता रहे हैं, जहां अवैध उत्खनन को लेकर एक बार फिर पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह आगे आए और उन्होंने नदी बचाओ सत्याग्रह का फिलहाल आयोजन किया, जहां रेत माफियाओं के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया गया है। एक हफ्ते तक चलेगा, जिसकी कई तरह की रणनीति बना रखी है। कई क्षेत्रों गाँव का दौरा करेंगे और उनकी समस्याओं को आगे तक पहुंचाया जाएगा, जिसमें लगातार ये खबरें भी सामने आ रही कि विधानसभा उपचुनाव को लेकर वोटरों को साधने की एक बार फिर से कोशिश की जा रही है।